ऐसा लगता है कि क्वेंटिन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्वेंटिन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्वेंटिन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मेरिका कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वह उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ, एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यूह, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वह छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टीडू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस के साथ क्या कर रही है, हम अभी पता लगाएंगे। ओ हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्वेंटिन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हूप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओ, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं, और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादर के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है, और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा, लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वह इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे, हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेलबॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टेक के साथ सजाने का फैसला किया है।
बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटिन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटिन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटिन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो, और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटिन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तूतू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है, वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडलस्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटिन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहां रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला।
लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हारियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? यह उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, और एक फ्लफी कालीन। बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टूप के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाओ, वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वे अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए घर बनाने का फैसला किया है। देखो उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, केटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याओ कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है, एक सभी हाथ को और क्या चाहिए। यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ, ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है।
और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनीक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टीडू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टीडू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ। मैं निचले हिस्से को लेती हूँ, बेशक मैं ऊपर रहूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। बहुत बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी, हाँ यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है। मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ, थोड़ा और ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है, तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भींग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एक सेकंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओ, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है, इसे रोको। उफ, ये क्या हो गया? ओ, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। यह मेरे साथ होता है। मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है। अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े। ओ, मैंने थोड़ा कहा, तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर। उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? अच्छी। ओह, लड़कियों घबराओ मत, मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है, अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो, मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। अच्छा, देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये ब्रीफकेस पैक करने
और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जैस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं जान चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ, मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो, क्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको, इसे रोको, इससे पहले कि यह टोर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती, वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, उप्स, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, उप्स, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूंगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको यह पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा। आप थोड़ा और, शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह, यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है, यह अद्भुत है। क्या, और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है, चलो इसके सम्मान में पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े। और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है मैं ड्रिंक्स चाहिए। आबरा कदाबरा, ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल, येलो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है, बस थोड़ी देर। और यह रहा हमारा
पॉपकॉर्न। वाह बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न ब्लास्ट, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर कुछ नहीं हुआ लेकिन ये मजेदार निकला है सब। हाँ सिंड्रेला मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे हिप्नोटाइज मत करो, मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह चॉकलेट। अरे नहीं अलार्म क्लॉक, मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ वो महक कैसी है, क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं मेरा फोन, ये जल रहा है, मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी, क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओ मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ, चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा क्या तुमने ये देखा, मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है, पौधे? टीना क्या तुम ये कह रही हो, शोर मत करो मुझे और सोना है। क्या क्या हो रहा है, मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह यहाँ इतना हरा भरा क्यों है, क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ। ओ माँ मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों मुझे सोने दो। क्या टीना क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ दिख नहीं रहा क्या? वाह मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है, रुको अब सब ठीक है, प्लीज कंट्रोल करो। ओ हाँ सॉरी, उठो दोस्तों। लड़कियों बधाई हो, हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा, इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह मैं सबसे पहले जाना चाहती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह मुझे मिल गया, वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह यह आसान है। हाँ तो हम ध्यान से डालते हैं। वाओ दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है, मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह काश मैंने अपने चेहरे के निशान ना देखे होते। ओह मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल मेरे पास पानी की शक्ति है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे ये काम कर गया, मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूंगी। चलो अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाए, यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं, यहाँ और थोड़ा यहाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया अब चलो धो ले। वाह क्या यह सचमुच मैं हूँ, मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ, पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है, मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ, यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर खीरे नींबू और कीवी चाहिए, हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी बढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा, अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह यह सही लग रहा है। हुर्रे
तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डाले, सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह, अब अपना चश्मा उतारें और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाएं। चलो समय बर्बाद मत करो, मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है, एक रोलर की जरूरत है। हो गया, वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए, मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार, अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। यह ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं, जब तक सब घुल ना जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया, अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाई कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या, मेरे स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है, मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया, मेरे दांत सच में सफेद है। ओह, और यह मास्क भी सूख गया है, इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रॉ, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेश पर चिपका दें ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेश, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो, बहुत खूबसूरत। मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति, क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है, मुझे चमकना चाहिए। तैयार, सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया, चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है, यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है, मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं, जो मेरी ब्लू शेडो के लिए एकदम सही है। हाँ, यह खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है, यह बेहतर है। पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलके। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाव, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी, मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स है। अर्थ पोर्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच, इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शेडो के लिए एकदम सही है।
ओह, मैं अजय हूँ।